हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शालिनी। आपका स्वागत करती हूँ यम्मी कुकिंग चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं मंचूरियन, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले गाजर और बंद गोभी को ग्रेट कर लेंगे। फिर सब्जियों को एक बड़े मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे, गाजर भी डाल देंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, कुटी हुई काली मिर्च 1/4 चम्मच डाल देंगे, रेड फूड कलर थोड़ा सा डाल देंगे। फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जब डो तैयार हो जाए तो छोटा छोटा मंचूरियन बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, अच्छे से हमारा डो तैयार हो गया है। इसके बाद हम इसके छोटे छोटे मंचूरियन बॉल्स बना लेंगे। मंचूरियन बॉल बनाने के बाद इसे प्लेट में रख लेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मंचूरियन बॉल्स को एक एक करके तेल में डाल देंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक उसे फ्राई करेंगे। मंचूरियन बॉल को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि बीच में से कच्चे रह जाते हैं। इसे तब तक अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाते हैं। इसको अच्छे से चलाते रहें। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद बारीक कटी हुई लहसुन 2 चम्मच डाल देंगे, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची डाल देंगे। फिर दोनों को अच्छे से चलाते रहेंगे, कलर चेंज होने तक चलाते रहेंगे। फिर 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक डाल लेंगे। तीनों को अच्छे से चलाते रहेंगे। बड़े पीसेस में कटे हुए प्याज डाल देंगे। तीनों को अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। जब तक फ्राई करेंगे जब तक कलर चेंज ना हो जाए, प्याज का कलर हल्का होने तक उसको फ्राई करते रहेंगे। अच्छे से उसे चलाते रहेंगे, अच्छे से उसको चला लेंगे। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। इसे अच्छे से पका लेंगे। सोया सॉस 2 चम्मच डाल देंगे। 1 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेंगे, अच्छे से चलाते रहेंगे। फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। फिर अच्छे से इसको चलाते रहेंगे, अच्छे से चलाते रहेंगे। 1 गिलास पानी डाल देंगे, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर का घोल डाल देंगे। फिर अच्छे से इसको पकाते रहेंगे। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, 5 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, अच्छा कलर आ रहा है। ग्रेवी बहुत पतला लग रहा है इसलिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का घोल और डाल देंगे। अब ग्रेवी ठीक हो गई है, कलर भी चेंज हो गया है। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, बॉयल आने तक इसको चलाते रहेंगे। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, 2 मिनट तक पका लेंगे। बॉयल आने तक इसको पकाते रहेंगे। इसको अच्छे से देखिए कितना अच्छा बॉयल आ रहा है, चलाते रहेंगे। फिर मंचूरियन बॉल एक एक करके सारे डाल देंगे। अब अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लेंगे, मिला के अच्छे से चलाते रहेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है मंचूरियन का।
5 मिनट तक इसको पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे इसको, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। इसको अच्छे से चलाते रहिए। ये देखिए मंचूरियन बनके तैयार हो गया है। आप चाहें तो हरे प्याज के पत्ते से इसे गार्निश कर सकते हैं। अब इसे हम गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कर लेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।